की जांच जारी है। एक के बाद एक नए स्टार सामने आ रहे हैं जिसे एनसीबी ने अपने घेरे में लिया। अब एनसीबी ने देश की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह के अंधेरे स्थित घर पर छापा मारा। इस मामले में अभी ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई। कई सारे स्टार्स ड्रग मामले में एनसीबी के निशाने पर हैं। हाल ही में एक्टर अर्जुन रामपाल से भी एनसीबी ने लंबी पूछताछ की थी और उनके घर पर छापा मारा था। भारती सिंह की कॉमेडी की दुनिया दीवानी है। इस समय वे द कपिल शो शर्मा का हिस्सा हैं और शो में अपनी कॉमेडी से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट करती नजर आ रही हैं। भारती के घर पर छापेमारी की खबर उनके फैंस को जरूर निराश करेंगी। हालांकि अब इस मामले पर और भी डिटेल्स आनी बाकी है। ये देखने वाली बात होगी कि भारती पर एनसीबी का अगला कदम क्या होगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद से कई सारे बॉलीवुड स्टार्स पर निशाना साधा गया। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती को एनसीबी ने हिरासत में लिया। करीब एक महीने के बाद रिया बाहर आई। उनके अलावा दीपिका पादुकोण, राकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान समेत कई सारी नामी एक्ट्रेसेस को भी एनसीबी ने समन भेजा और विस्तार से उनसे पूछताछ की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो एक्टर 14 जून को बांद्रा स्थित अपने निवास पर मृत पाए गए थे। इसके बाद से फैंस के बीच काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद सीबीआई द्वारा मामले की छानबीन शुरू की गई। बाद में एनसीबी ने भी ड्रग्स मामले में तहकीकात शुरू की और एक के बाद एक करके कई सारे बॉलीवुड स्टार्स एनसीबी के जाल में फंसते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।